तो आज अभी का पेपर और अभी अभी जा रहा है, लेट हो चुका है थोड़ा सा, लेकिन जा रहा है, बस मिल जाएगी इसे। इसका सर फूट गया सुबह सुबह, नींद खुल गई होगी तेरी। गेट लगा दे, लग गई ज्यादा। एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शानिया ब्लॉग्स। आप सब कैसे आए हो? आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहा है 8, तो अभी मम्मी नहीं है, मतलब मुरैना थे हम लोग। इससे पहले वाला ब्लॉग मुरैना का था, लेकिन हम लोग मुरैना थे और अभी 3-4 दिन से ग्वालियर में है। तो बस मम्मी नहीं है, मैं, गट्टू और अभी है, और अब कल लाली भी आ चुकी है और शादी करने वाली है। तो अभी शादी आने वाली है, इसलिए शॉपिंग करने के लिए आए, और गट्टू अभी के एग्जाम दे इसीलिए आए हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और पार्टी पहले बंद कर देते हैं। तो अभी जा चुका है कॉलेज, अभी निकल, मतलब अभी जा चुका है कॉलेज, और जल्दी से मैं भी अब आज का काम खत्म कर लेती हूँ और फिर जाएंगे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। देखेंगे कि शादी के लिए क्या मिलता है क्या नहीं। और बाकी अभी गट्टू भी सो रहा है, क्योंकि गट्टू का एग्जाम नहीं था, और उधर लाली सो रही है। अभी का फिर से सुबह सुबह किचन पूरा गत्ता हो गया है, क्योंकि अभी का टिफिन बनाया था और अपने लिए पानी गर्म हो गया है और चाय भी बना ली है। जल्दी से चाय बना लेते हैं, फिर दोनों को जगाएंगे और तब तक 8:30 भी बज जाएंगे। तो ये देखो, ये मामा आए हैं और ये भी कॉलेज से वापस आ गए, तब जाके अपना दोबारा ब्लॉग बना लिया। और ये एक उसमें देख रहे हैं क्या, सांप देखा। अभी हो गई हूँ मैं रेडी और अभी बच चुके हैं 3:30। बहुत सारे कपड़े चेंज करने के बाद क्या हुआ है, थोड़ा सा वेट लूज हुआ है इस वजह से, मतलब ना तो फिट ही आ रहा है और ना ही लूज, समझ ही नहीं आ रहा। जो पहले के कपड़े थे वो भी नहीं आ रहे हैं, और जो अभी के थे वो भी नहीं आ रहे, दोनों ही। तो बीच में अटक गई हूँ इतने सारे कपड़े चेंज करने के बाद। एक नॉर्मल सी ऐसे ही ये टी शर्ट और ये डाला है, मुझे हमेशा बाहर जाते हुए ना ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, इन्हीं में कम्फर्टेबल लगता है। और बाकी बाहर धूप देखो कितनी ज़्यादा है, तो धूप भी बहुत तेज़ है, इसलिए सोच रही कि थोड़ा 10-5 मिनट और लेट होते हैं, थोड़ा सा और कम हो जाती है, फिर चलते हैं और जल्दी से अपना काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन का, 2 दिन है, 2 दिन बाद हमें मुरैना जाना है, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा सा बहुत जो काम है वो करवाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से निकलते हैं। तो मैं 10 मिनट और लेट हो गई, वो इस वजह से क्योंकि मैं अपना फ़ोन ही भूल गई रख कर पीछे की तरफ, और पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। गेट लगा ले, हाँ, और अब जल्दी से चलते हैं। इतनी तेज़ वाली धूप है ना, भयंकर वाली। और फिर इसमें करूँ शॉपिंग, मन ही नहीं लगता है भाई। पता नहीं अभी जब भी आएगा और ये वाली गाड़ी लेकर जाए, तो इसमें कुछ ना कुछ अटरम टटरम उसको करने हैं। साउंड ही ऑफ कर दिया, हमें लगा इंडिकेटर बज क्यों नहीं रहा है। सारी सेटिंग हमने फिर से कर ली है, अब चलते हैं भाई। इतनी धूप हो रही है, इतनी धूप, शादी में पता नहीं हमारा क्या होगा। ग्वालियर में ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि भाई ये प्लांटिंग हो रखी है इतनी सारी। हाँ वो बस वो धूप की वजह से, लेकिन भाई इतना पौधा लगा रखा है, मुरैना में कुछ नहीं है ऐसा। भाई आ चुका भाई हमारा फोर्ट, नहीं तो उसको वो करवाया था, कहते तो ऐसे है। चलो भाई, मुझे रास्ते में कुछ खुशबू आ रही थी अच्छी अच्छी खाने की, मैं कचूरी से कह रही यार खुशबू आ रही है। अरे मैं तो रेड लाइट नहीं मिली। हाँ बस 6 नंबर 7 नंबर पर मैं रेड लाइट मिली थी, बाकी हमें कहीं भी रेड लाइट नहीं मिली। एक पर हमने तोड़ दी, वो एक पर थी वो हमने तोड़ दी, क्योंकि खाली थी रोड, हमने देख नहीं पाया। भाई हमारी मंजिल आ चुकी है, तो पहुंचते हैं इसको पार्किंग में लगाने के बाद। सोने का सिक्का मिला मुझको अभी पार्किंग में। सबसे पहले ना आकर मॉल में देखते हैं, मॉल में आ चुके हैं, हम पार्किंग में हैं, मॉल में देखते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे बाड़े, अगर यहाँ समझ नहीं आएगा तो, क्योंकि 2 बार पड़ता अगर मॉल आए फिर ज्वेलरी लेने हमको जाना पड़ेगा उधर, तो इसीलिए पहले यहाँ आए फिर मॉल जाएंगे। पहले मैंने मॉल बोला, मॉल नहीं बाड़े जाएंगे फिर से, ये बड़ा गड़बड़ होता है मेरे साथ। नहीं आप देखते हैं यहाँ कुछ मिल जाए, और यही मिल जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। लाली मैडम इधर नहीं, इधर चलते हैं। पर मैंने अब उस दिन आए थे उस दिन इधर देखा था, पहले इधर देख लें फिर इधर चलेंगे। हाँ तो बोला था ना उस दिन भी, ब्लॉग देखना मेरा जरूर बोला था मैंने, जिस दिन लेने आएंगे उस दिन कुछ नहीं मिलेगा, बाहर ही बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे थे, अब कुछ दिखा ही नहीं, बाहर से ही लौट रहे हैं, बाकी अब जिससे मैं लेती उधर देख लेते हैं एक बार, क्यों टाइम खराब करें। तो भी बहुत सारा कलेक्शन है इधर, ये भी नहीं ऐसा नहीं, और कुछ समझ में थोड़ा बहुत ये आ रहा है, बाकी देखते हैं।
तो भाई फाइनली हम दोनों की ड्रेस जो है ना वो हो गई और आज का काम ये वाला पूरा हुआ और ज्वेलरी भी हमें नीचे ही मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर ज्वेलरी भी इन लोगों का नीचे ही है, तो वो एक बार कलेक्शन देख लेते, नहीं होगा तो फिर तभी बाड़े जाएंगे। तो भाई अभी आए नीचे कुछ ज्वेलरी देखने के लिए कि मिल जाए, और जो ड्रेस है ना वो अब उसी दिन दिखाएंगे। उसी दिन देखना, कुछ न्यू लगेगा देखने में। हमने दिखा दी, अब इस बार आए ना तो पूरा चेंज हो गया है, पूरा मैंटी चला जा उस साइड। तो अभी लाली गई है ऑर्डर करने के लिए, मैं उसका वेट कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद ना कुछ अच्छा खाने वाली हूँ मैं। बाकी बहुत टाइम से मेरी डाइटिंग चल रही है, तो आज थोड़ा सा कर लेते हैं और कुछ खाया जाए। तो बहुत इंतज़ार करवाने के बाद मैडम आ चुकी हैं। अब जाते हैं बाड़े, क्योंकि थोड़ा ज्वेलरी का रह गया, और अब अच्छा है कि ज्वेलरी का रह गया तो वो कर लेते हैं, और बाड़ी का ज्वेलरी भी हो जाएगी आज ही फाइनल। में कल का कोई काज ज़्यादा कम रहेगा नहीं, बस मम्मी की साड़ी रहेगी। चले तो भाई फिलहाल हम चलते हैं बाड़े, है ना। तभी हम जा रहे हैं बाड़े, कपड़े तो हमने ले लिए हैं, बाकी आगे अभी आ गए हैं बाड़े। और लाली का फोन जो खराब हो गया वो सही कराने के लिए आई हुई है, तो बस वही देख रहे हैं। और यहाँ मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि ट्रैफिक वाले गाड़ी उठाकर ना ले जाए, और घर जल्दी से जल्दी पहुँचना है क्योंकि घर जाके खाना बनाना पड़ेगा। भाई मम्मी नहीं है आज, तो खुद से ही जाके बनाना पड़ेगा। बस ये अपना फोन का करा है, फिर उसके बाद निकलते हैं। और जो ज्वेलरी का है ना वो अब कल जाकर देखेंगे, कल आएंगे सुबह जल्दी फिर उस काम को करेंगे। कल ही मुरैना निकल जाएंगे क्योंकि शादी का भी घर पर अब काम चालू हो गया है, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। तो मुझे 15 मिनट हो चुके हैं लाली का वेट करते करते, मेरे जस्ट सामने खड़ी हुई है लेकिन इसका काम नहीं हो पाया है। और यहाँ का ट्रैफिक देख लो कितना ज़्यादा, मतलब ट्रैफिक लगता है। और यहाँ पर ना कुछ टाइम पहले जब स्टार्टिंग में मैं ग्वालियर आई थी, मतलब कॉलेज में पढ़ने, तब मैं इधर ही रहा करती थी, और मैं और तन्नू पूरी इस जगह सब कुछ मेरा घूमा हुआ है, इसीलिए ये रास्ता भी मुझे पता था। ज़्यादातर मुझे रास्ते याद नहीं रहते, लेकिन ये वाला एरिया मुझे याद था। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हमेशा ही रहता है क्योंकि बाड़े पर आता है और बाड़े पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो उस मैम का वेट कर रही हूँ और आने ही वाली हैं, लग रहा है कि अब बस हो गया इनका काम। चलो फाइनली मैम आ गए, बहुत आधा घंटा वेट कराने के बाद आ चुकी है। कल रात तक मिलेगा, इसलिए मंडे को सुबह दे देना, शाम को ले लेना। मंडे को देंगे तो फोन नहीं डाला फिर तूने अभी, तो इतनी देर से क्या कर रही थी? खोल के देखो मैंने। भाई मैप लगा के एकदम रेडी बैठी, सामने से निकल जाएंगे, लेकिन ये मैडम फिर से चली गई। और अब आ जाए तो जल्दी से निकले। क्या है? फोटो तो क्या हो गया? पासवर्ड लिया है। चला जा बेटा, तेरे फोटो लेके कहीं नहीं जाएगा वो। चल भाई, मेरे ब्लॉग आएंगे लेट क्योंकि मेरा मोबाइल हो चुका है सबमिट। अभी तक मैं चला रही थी उसको वाईफाई से, तो फाइनली आज मैंने उसको ठीक होने के लिए डाल दिया है, जिससे मैं ये 3 दिन फोन वाला झंडा जल्द से जल्द खत्म कर दूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ इससे, तो कल आके अपना मोबाइल उठा दिया आज बिना मोबाइल के। ओ माय गॉड, कैसे जीऊँगी मैं, देखते हैं। भाई कैसे लोग हैं, भाग गए अब तब से गाड़ी नहीं चला रहे, पंचायत दे रहे, छोटी वाली लड़की गई है वो इतना डिस्क्रिप्शन से बता रही हूँ मैं। वाली पहले से तभी घर आ गए, कितने आराम से जा रही है, और वो पर्दे से देख रहा है शायद, तक नहीं देख रहा है वो, तो वैसे ही पंखे की आवाज़ें हो रहा है। तो चलो घर आ गए अब हम, और हमारी जो ड्रेस है वो कल मिलेंगी। कल मिलेंगी? हाँ कल मिल, मेरी तो आज ही मिल जाती पर आज हम लेकर नहीं। हाँ लेकिन कल मिल जाएंगी, तो फिर कल डायरेक्ट हम वहाँ से अपने लिए ज्वेलरी भी ले लेंगे। पागल है, कौन पागल हो गया, ये मशीन निकाल के गए इधर ही छोड़ गए हम। भूज में हो गट्टू, कहाँ है, कहाँ? तो भाई अभी आ गई हूँ मैं घर, और घर आके मैंने एक अच्छी सी चाय पी, और अभी बज गए 9:30, और खाना बनाने का नहीं था क्योंकि गट्टू जा चुका है मुरैना, क्योंकि पापा कहीं किसी काम से गए हैं तो गट्टू को जाना पड़ा, तो वो दोपहर में ही निकल गया था, मुझे नहीं पता था। बाकी अभी था तो अभी पहले ही खा के बैठा हुआ था, तो और हम दोनों तो बाहर खा कर ही आए थे, तो आज खाना बनाने का भी नहीं रहा। मतलब मम्मी होती तो टेंशन फ्री होकर आते हैं और बढ़िया मस्त से सो जाते, बढ़िया चाय बनी हुई मिलती है, लेकिन आज खुद से बनानी पड़ी है। और कैसा लगा आपको यहाँ का कलेक्शन वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मतलब ड्रेसेस कैसी लगी। मतलब मेरे साथ एक प्रॉब्लम वो है कि मतलब इतनी सारी ड्रेसेस हो चुकी है ना कि सब कुछ है ही पहले से, ये लहंगा वो लहंगा जितने भी चलते हैं, कुछ नया चले तो वो लिया जाए, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ नया लूँ, और वो मैं आपको उसी दिन जो 15 अप्रैल है उस दिन ज़रूर दिखाऊँगी, मतलब उसी दिन पहनूँगी तो ज़रूर दिख जाएगा, उसका ब्लॉग ज़रूर आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आज के बाद रेगुलर ब्लॉग आएंगे क्योंकि शादी आ गई है, तो रोज़ कुछ ना कुछ नया नया कंटेंट मिलेगा। मतलब रोज़ घर में मुझे नया कंटेंट नहीं मिलता, इसलिए
इसीलिए रेगुलर व्लॉग मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी अब आज से रेगुलर व्लॉग रहेगा। सो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको कोई ड्रेस पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एक बार। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।